ब्लॉग में और उसके बाद वाले 3-4 ब्लॉग में रांची के बारे में आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि कौन से प्लेटफॉर्म पे है तो बताया था कि हम रांची आ गए और यहाँ पर भी क्या चला, क्योंकि हम काफी थक गए थे, हील्स पहने हुए थे और जो यहाँ पर रिंग मैच होने वाला है और फिर से तो बिल्कुल हम उतर गए हैं स्टेशन पर। मुझे छोड़ने के लिए सोनू आए हैं, हाथी इज देयर और रोहन भी है, और ये है मेरे 4 दिन का सामान। गाड़ी के अंदर बहुत नॉइज हो रहा था क्योंकि रोहन नहीं सुन रहे थे, इसलिए यहाँ से हम कम्प्लीट करेंगे। सो इस व्लॉग में और इसके बाद वाले 3-4 व्लॉग में रांची के बारे में आपको दिखाने वाले हैं। तो अभी ये लोग सीढ़ी चढ़ रहे थे तो मैंने इन्हें बताया कि पहले चेक कर लो कि कौन से प्लेटफॉर्म पे है। तो रोहन का कहना है कि इसके हिसाब से 7 नंबर पे, बट एक्चुअली में ये 5 नंबर पे आ रहा है, 5 दैट इज 5 नंबर। ये तीनों मुझे स्टेशन छोड़ने आए थे और आप देख सकते हैं इसको छोड़ने जा रहे हैं, आई डोंट नो। और एज वी ऑल नो की अकेली लड़की पूरी तिजोरी की तरह होती है, तो यहाँ पे सारे ठरकी बैठे हुए हैं, थोड़ा सा सुंदर चेहरा हो तो घूम घूम के देखते हैं, ऐसे लड़की नहीं देखी, नहीं देखी होगी इतनी सुंदर। बस रिव्यू देना। हे हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने बताया था कि हम रांची आ गए हैं और यहाँ पर किक बॉक्सिंग टूर्नामेंट हो रहा है, जो कि नेशनल लेवल पे है। अलग अलग जगह से, अलग अलग राज्यों से करीब 250 बच्चे आए हुए हैं और सभी काफ़ी एक्साइटेड हैं हमारे साथ यहाँ पर। आकांक्षा, आप कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के माइक लाना, अच्छा लगता है। और यहाँ पे ट्विन दोनों ट्विन पीछे, ये झारखंडी टीम है। एक बार अपना फेस दिखा दो, ये दोनों ट्विन है। अब गेस कीजिए कि इसमें कौन बड़ी और कौन छोटी है, 1 मिनट का डिफरेंस है। बाकी आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा, आफ्टर लॉन्ग टाइम रांची आए तो किक बॉक्सिंग के ऊपर पूरा ब्लॉग आप जरूर देखिएगा। और ये जो लाइन यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये किसी टिकट काउंटर के बाहर की लाइन नहीं है, बल्कि ये फूड लेने के लिए है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 2500 कैंडिडेट्स हैं, प्लस उनके साथ उनके पेरेंट, कोचेज एंड ऑल, रेफरी, उससे ज़्यादा ही लोग हैं यहाँ पर। लेट्स सी हमें फूड के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फर्स्ट क्लिप कल हमने डाला था, उसके बाद एक भी वीडियो उसके आगे का हमने नहीं दिखाया था कि किकबॉक्सिंग में डे टू क्या चल रहा है, डे वन में क्या चला, क्योंकि हम काफ़ी थक गए थे, हील्स पहने हुए थे और बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। आज डे टू है यहाँ पर और जैसे कि हमने बताया था कि काफ़ी बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। आकांक्षा, आज आप क्या कहेंगे? कल तो हम काफ़ी थके हुए थे इसलिए वीडियो भी कम्प्लीट नहीं हो पाई थी। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, नेशनल गेम हो रही है किकबॉक्सिंग की, ये हमारी गोल्ड मेडलिस्ट है। ओके, गोल्ड मेडलिस्ट, क्या नाम है आपका? पुष्पांजलि पासवान। इस बार क्या लगता है, कैसा होने वाला है? अब देखा जाए क्या होगा, वैसे तो बहुत ज़्यादा तैयारी किए हैं अपने मतलब फ्यूचर के लिए। बिल्कुल, बहुत ही सिंसियर और बिल्कुल रेडी हैं, गोल्ड लेकर आ चुकी हैं, वापस से गोल्ड लाने की उम्मीद है। यहाँ पे आपको हम दिखाना चाहेंगे, आप देखिए, ये तो खैर फ्रंट कैमरा से दिखा रहे हैं, बैक कैमरा से आपको हम व्यू दिखाएंगे और हम रिंग तक भी जाएंगे, वहाँ भी जाकर आपको दिखाएंगे। आज इस ब्लॉग में आपको पूरी अच्छी से जानकारी मिलेगी कैसे किकबॉक्सिंग का जो नेशनल लेवल का टूर्नामेंट है वो हो रहा है, बच्चे कहाँ पर रह रहे हैं, ये जो स्टेडियम है काफ़ी सुंदर है, लेकिन बाकी इसकी अंदरूनी बातें भी आज इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे। जो यहाँ पर रिंग मैच होने वाला है और फिर से आपको बता दूँ कि हरवंश ताना स्टेडियम में कितना खूबसूरत सा ये नज़ारा है, सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं। एक बार आपको मैं कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगी, एक बार उधर दिखाइए, उधर की क्या स्थिति है वहाँ की, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। और ये रिंग, इसी स्टेडियम में अलग अलग जगह पर अलग अलग मैचेस चल रहे हैं, खिलाड़ियों को दिखाना चाहिए कि सारे प्लेयर्स जो हैं वो अपने अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। एक बार तो काफ़ी एक अच्छा नज़ारा, इंटरेस्टिंग सा यहाँ पर सीन देखने को मिल रहा है, एक्साइटमेंट है सभी के अंदर, कंपटीशन की भावना है। हमने नेक्स्ट मैच का देखिए, यहाँ देखिए ये सारे अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, ये मेघालय टीम है हमारे सामने। तो चलिए आप, हम अपने नेक्स्ट मैच का इंतज़ार करते हैं। सो गाइज, आज किकबॉक्सिंग है जो हमारे नेशनल लेवल का, इसका 4 डे, मैंने सोचा था कि अलग अलग दिन के अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन काफ़ी बिजी थी और काफ़ी एक्टिक था,
पर फिर भी मैंने चारों वीडियो को एक साथ एकुमुलेट कर दिया है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि आज आखिरी दिन हमारे गवर्नर भी आए थे। एक बार आपको दिखाना चाहूँगी, कोशिश हमेशा रहती है कि कुछ नए वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ, और ये हमारा एक काफ़ी यूनिक था। आई होप कि किक बॉक्सिंग के जितने प्लेयर्स हैं वो मेरे चैनल से जरूर जुड़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, अगर पुराने हैं तो शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और लोगों को सजेस्ट करें। ऐसे ही हमेशा कुछ नई और यूनिक वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। बाय बाय, आपका ढेर सारा प्यार, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।